हाय एवरीवन, मैं शिखा नुनिया आज पार्ट टू लेकर आई हूँ मनी बाउल 2023 का, जिसमें आज मैं शेयर करूँगी आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर 100+, मैं इसके लिए भी खुश हूँ कि मेरे 100+ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बस इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, 1000 करिए, 10,000, 10 मिलियन, नॉट 1 मिलियन, 10 मिलियन। ओके, थैंक यू सो मच। सो क्विकली मैं आप सबसे रेमेडी शेयर करती हूँ। सबसे पहला स्टेप जो मैं बताने जा रही हूँ, जिससे किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, हर चीज़ आपको 7-7 लेनी है, ठीक है। जो चीज़ मैं एक बोलूँगी वो एक ही लेनी है क्वान्टिटी में, और जो 7 बोलूँगी वो 7 ही लेनी है। सेकेंड, अगर किसी प्रकार का मैं पाउडर बोल रही हूँ, जैसे सिनेमन पाउडर या किसी भी तरह का, तो वो आपको 7 पिंचेस लेना है मनी बाउल के लिए, ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको 3 स्टेप्स में बताऊंगी। एक तो केतु की रेमेडी के लिए, सेकंड मनी बाउल जो हम वेल्थ को अट्रैक्ट करने वाले हैं, और 2023 जो है उसका वेल्थ कॉर्नर है साउथ ईस्ट। सो साउथ ईस्ट को बनाए रखने के लिए, जिससे हमारे घर में अबंडेंस अट्रैक्ट हो, तो वो अट्रैक्शन के लिए क्या डलेगा उसके अंदर वो बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले जो मैं इंग्रेडिएंट्स बताने जा रही हूँ वो केतु की रेमेडी के लिए। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगी, तो ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद में भी अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। सो सबसे पहले हमें किसी भी तरह का बाउल लेना है। ट्रांसपेरेंट बाउल ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसपेरेंट या कुछ ग्रेइश कलर का बाउल, या उस तरह का कुछ डेकोरेशन कर दीजिए सिल्वरिश ग्रेइश कलर का, जिससे कि वो प्लैनेट अट्रैक्ट होता है और वो शांति बनाए रखता है। तो इसमें एक और चीज़ इंटरप्ट करने जा रही हूँ मैं, ये जो हम करने जा रहे हैं, ये 2023 जो मैंने बताया है ईयर, केतु की रेमेडी के लिए हम कर रहे हैं, प्लस जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। वो किसी भी तरह से स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहें तो वो अपने लिए उपाय कर सकते हैं। सेकंड, किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन आप करना चाहें, जो भी चाहते हैं लाइफ में करिए, ज़रूर मिलेगा। सो बेसिकली ऑल टुगेदर ये ईयर बहुत अच्छा है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट केतु के लिए जो मैं बताने जा रही हूँ, एक जैसे कि मैंने बोला बड़ा बाउल ले लीजिए। ओके, उसके अंदर 5 रुपीज़ के 7 कॉइन्स लेने हैं, ठीक है। सेकंड, लॉर्ड गणेशा की छोटी सी फोटो या स्टैच्यू हो छोटा सा, तो वो लीजिए। फिर थर्ड आपको लेना है एक सिल्वर कॉइन, जो आप दिवाली पूजन वगैरह में यूज़ करते हैं तो वो ले सकते हैं। उसके बाद में कैट्स आई बोलते हैं, लसुनिया, तो वो ऑप्शनल है, लेना चाहे तो लीजिए, नहीं लेना चाहे तो मत लीजिए। उसके बाद में एक वाइट पेपर लेना है, और अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन या जो इस लाइन से रिलेटेड है वो ये बना रहे हैं, भोजपत्र यूज़ करें, दी बेस्ट, भोजपत्र और अश्वगंधा इंस्टीड ऑफ यूजिंग रेड पेन। तो भोजपत्र पे आपको लिखना है ओम केम केतवे नमः, ये एक मंत्र है। सेकंड मंत्र है ओम गण गणपताये नमः, ये 2 मंत्र है जो कि आपको एक वाइट कलर के पेपर पे लिखना है। उसके बाद में 7 ड्राई सूखी दुर्वा लेनी है, जो हम गणेश जी पे चढ़ाते हैं। उसके बाद में आपको लेना है 7 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर, केसर की 7 जो स्ट्रिंग्स होती है वो, और 1 सूखी पीपल की पत्ती, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हम जो यूज़ कर रहे हैं वो केतु को बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं, केतु प्लैनेट के नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2, जो हम मनी बाउल, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, सेम बाउल में करना है, उसके लिए कोई अलग तरह का बाउल नहीं बनाना है हमें। तो इसमें हम कॉइन्स तो ऑलरेडी ले चुके हैं, उसके बाद में जो आप यूज़ करेंगे वो मैं बताने जा रही हूँ। 5 पीसेस कॉपर के, किसी भी तरह के कॉपर चिप्स ले लीजिए या कॉपर कॉइन्स आते हैं वो ले लीजिए, 5 पीस। ओके, 7 तुलसी और बेजिल लीव्स वो लेनी है, 7 बे लीव्स या तेज पत्ता जिसे हम बोलते हैं, 7 स्टिक्स ऑफ सिनेमन
दालचीनी की 7 स्टिक्स, इतनी इतनी ले सकते छोटी छोटी। उसके बाद में हमें लेना है 7 स्टार एनाइज। स्टार एनाइज मतलब कमल चक्री जो होती है, गरम मसाले का एक फॉर्म होता है। मैं कोशिश करूंगी पिक्चर शेयर करने की, एक और बना दूंगी, या कोशिश करूंगी मनी बाउल बनाते हुए वीडियो अगर मैं बना पाई तो मैं वो ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। फिर उसके बाद में 7 ड्राई जिंजर, ड्राई अदरक 7 पीसेज उसके लेने हैं। छोटे छोटे ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बड़ा नहीं लेना है हमको। उसके बाद में 7 ड्राई मिंट लीव्स, या मिंट लीव्स मतलब पुदीने की पत्तियां 7 पीस। 7 ड्रॉप्स ऑफ जैस्मिन ऑयल और ड्राई जैस्मिन फ्लावर। ओके, किसी भी तरह की रेमेडी आप अगर करते हैं तो आप नोटिस करिएगा उसमें खुशबू, फ्रेग्रेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, बहुत महत्व होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, लक्ष्मी जी को भी अट्रैक्ट करने के लिए हम गुलाब का इत्र लगाते हैं। अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ का एटमॉस्फियर, वहाँ की खुशबू से पता चलता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं ना, कहीं भी जाते स्मेल आ जाती है, फिर हमें सेंस आता है, जो वाइब्स आती है हम बोलते हैं, और फिर हम वो जगह देखते हैं। तो वो जगह देखने से पहले ही हम सेंस आउट और स्मेल से आइडिया लगा लेते हैं कि वहाँ की एनर्जीज कैसी होगी। तो इसीलिए खुशबू का बहुत ज़्यादा महत्व है। और फिर उसके बाद में आपको लेना है, जैसे अभी मैं बता रही हूँ, सिट्रिन, ग्रीन एवेंचुरिन, पायराइट, टाइगर्स आई, टर्कोइश, ब्लैक टर्मलाइन, स्मोकी क्वार्ट्ज, मेलनचाइट, ये इस तरह के टंबल स्टोन्स आते हैं, ठीक है। टंबल स्टोन्स ले लीजिए, या तो चिप्स भी ले सकते हैं इनके, और अगर कोई ब्रेसलेट्स यूज़ करते हैं तो वो अपने ब्रेसलेट्स भी उसमें रख सकते हैं बाउल के अंदर। तो ऐसा इस तरह का मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी जिसमें आपको बहुत सारा एक्सपेंस करना पड़े और फिर ऐसे लगे कि हमारा तो मनी बाउल, मनी अट्रैक्ट करने से पहले इतना सारा एक्सपेंस हो रहा है तो कैसे क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सब ऑप्शंस है आपके लिए, एवरीथिंग इज ऑप्शनल। जो घर में चीज़ें हैं आपके पास अवेलेबल, पहले वो यूज़ करिए, एकदम पॉजिटिविटी के साथ में करिए, तो एनीवेज वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। ये हो गई हमारी सेकेंड रेमेडी, सेकेंड इन्ग्रीडियंट्स का जो हमारा पार्ट था फॉर मनी बाउल। फर्स्ट हमने क्या किया, केतु के लिए। सेकेंड मैंने जो इन्ग्रीडियंट्स बताए वो मनी बाउल के लिए बताए। अब जो मैं थर्ड बताने जा रही हूँ वो है साउथ ईस्ट कॉर्नर, जो कि हमारा 2023 का वेल्थ कॉर्नर है। तो ये मनी बाउल बनाकर हमें साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखना है अपने घर के। अब साउथ ईस्ट की रेमेडी के लिए हम इसके अंदर जो डालेंगे वो है, जो मैंने कॉपर के चिप्स या कॉपर के कॉइन बताए हैं वो ऑलरेडी है, और छोटे छोटे 7 मिरर्स ले लीजिए, छोटे छोटे आते हैं, गोल गोल ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये सब करने के बाद में जैसा मैंने बताया, साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखिए, चाहे तो अपने मंदिर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रख लीजिए, अपने पूरे घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताती हूँ, जनरली नहीं बताते लोग, ऑल्टर जो हम बोलते हैं, ऑल्टर मतलब ये होता है किसी भी जगह पे, कोई भी समझिए आपका एक बेडरूम है या कोई भी छोटी जगह है, तो वहाँ पर एक कॉर्नर बना लीजिए, चाहे एक स्टूल पे, टेबल पे, कहीं पे भी वो कॉर्नर बना लीजिए। उसमें चारों दिशाएं अपने घर की उसी के हिसाब से वो डिसाइड कर लीजिए, मतलब देखकर कौन सी दिशा किस साइड है, तो उसमें जो साउथ ईस्ट का कॉर्नर होगा आपको वो बाउल वहाँ रखना है, अगर कोई सुविधा नहीं है तो रखने की, तो वो सबसे बेस्ट उपाय है। कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं करना है, आप लोगों को झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ रखे, कैसे रखे, ये इजीएस्ट वे मैंने बताया है कि वो अपना एक ऑल्टर बनाइए और उसके ऊपर कर लीजिए, एक छोटा सा कपड़ा बिछा लीजिए, बिछा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बस उसे नीट एंड क्लीन रखिए, वो भी इनफ है, ठीक है। और ये जो मनी बाउल है, ये प्रिपेयर करना का जो टाइम एंड डे है, हर महीने की 7th को आप कर सकते हैं, 7th डेट, 7th ऑफ एवरी मंथ, मतलब जब भी करें, एक ही बार करना है साल में, बार बार रिपीट नहीं करना है। तो अगर ये महीना अगर आपने मिस कर दिया तो नेक्स्ट मंथ की 7th को आप करिए, ओके। दूसरा जो टाइमिंग होगा वो मॉर्निंग का ही होगा, ठीक है। अब ये जो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, मेथड भी बताऊंगी ना, किस तरह से सिर्फ बाउल में डाल दिया और हो गया, ऐसे नहीं होगा ना, है ना। तो इसके लिए मेथड जो मैं बताने जा रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला एनर्जीज,
एनर्जीज़, मुझे एनर्जीज़ बहुत पसंद है, एनर्जीज़ रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एनर्जीज़ का मतलब ये है, हम जिन चीज़ों से जुड़े हुए हैं ना, उनमें भी एनर्जीज़ होती है। अब अगर मैंने ये रिंग पहनी हुई है, इसमें भी मेरी एनर्जी जुड़ गई है, ठीक है? तो इस तरह से हम एनर्जीज़ बोलते हैं। अगर मैं किसी से कोई सामान लेकर आ रही हूँ, उनकी एनर्जीज़ हमारे पास में आ रही है, तो हमें वो एनर्जीज़ क्लीन करनी है सबसे पहले। वो एनर्जीज़ आप कैसे क्लीन करेंगे? एनर्जीज क्लीन करने के लिए अगरबत्ती लीजिए, रोज़ फ्लेवर की ले लीजिए या सिनेमिन फ्लेवर, वो बेस्ट रहता है। अगर ये इस तरह की खुशबू लेते हैं, मोगरा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और वो लीजिए। हर एक चीज़ को आपको अगरबत्ती दिखानी है, ठीक है? अगरबत्ती के धुएं से वो चीज़ आपको क्लेंज करनी है, अपने हाथों को भी वो काम करने से पहले, वो अगरबत्ती के धुएं से वो सब क्लेंज करने, अपने हाथों को बैठने से पहले वो काम करने के लिए, ओके? तो वो करने के बाद में ईच एंड एवरी चीज़ आपको क्लेंज करने के बाद में, चाहे पेपर हो, चाहे पीपल की पत्ती हो, चाहे बे लीफ हो, कुछ भी, एक एक छोटी से छोटी पुदीने की पत्ती या जो भी आप लेंगे, सब कुछ आपको क्लेंज करना है अगरबत्ती से। तो क्या कर सकते हैं, एक बड़ी सी ट्रे ले लीजिए, ट्रे में सब अरेंज कर दीजिए, ईजिएस्ट मेथड बता रही हूँ, और सबको ऐसे 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 अगरबत्ती दिखा दीजिए और बोलते जाइए क्लेंज क्लेंज, तीन तीन बार हर एक चीज़ के ऊपर, सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी वो धुएं से, उसमें इतनी पवित्रता होती है, ठीक है? वो करने के बाद में सेकेंड स्टेप जो आपको करना है, जैसे मैंने बोला, एक वाइट कलर का पेपर लीजिए और उसके ऊपर ग्रीन कलर के पेन से, अगर भोजपत्र नहीं है तो, अश्वगंधा नहीं है तो, ग्रीन कलर के पेन से वो जो दो मंत्र बताए थे, ओम केतवे नमः और ओम गण गणपतये नमः, ये मंत्र लिखने हैं, ओके? वो उसमें डाल दीजिए। उसके बाद में जो आपने 7 बे लीव्स ली है, तेज पत्ता, हर एक तेज पत्ते पे एक एक वर्ड लिखेंगे अलग अलग, जैसे कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, और एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी जो आप अपनी लाइफ में गेन करना चाहते हैं, वो इस तरह से सातों पत्तों पे लिख लीजिए, वही ग्रीन कलर के पेन से, और फिर उसके अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद में जैसे जैसे आप वो मनी बाउल के अंदर डालते जाते हैं, अपनी विश रिपीट करते जाइए कि इस पर्पस के लिए आपने ये मनी बाउल बनाया है, ओके? सारी चीज़ें जब आप डाल देंगे साउथ ईस्ट कॉर्नर में, उसको अपने चाहे ऑफिस के चाहे घर के कॉर्नर में, साउथ ईस्ट में रखिए, और हो सके तो हर बुधवार, हर वेडनसडे को उसको धूप दिखाइए अगरबत्ती। लास्ट में सबसे ऊपर उसमें गणेशा रख दीजिए, जैसा कि बताया, गणेशा का आइडल हो कोई, अगर बुद्ध भगवान में विश्वास करते हैं उनका रख लीजिए, महावीर स्वामी जी का रखते हैं उसमें रख लीजिए, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जो भी भगवान में, अपनी श्रद्धा के अनुसार। और अगर कुछ नहीं करते, स्वस्तिक या ओम का सिंबल रख दीजिए, सबसे बेस्ट, ओके? और उसके बाद में, ये करने के बाद में एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी, अगर आप कर सके तो, उसमें आपको ये करना है, एवरी वेडनसडे 7-7 कॉइन्स ऐड करी, किसी भी डिनोमिनेशन के चलेंगे, ज़रूरी नहीं है 5 रुपये के, वो फर्स्ट टाइम ही डालना है। उसके बाद में आप उसमें 1 रुपये का भी कॉइन डाल सकते हैं। एवरी वीक 7-7 कॉइन्स डालिए, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब ये कंप्लीट हो जाए, सारा सामान उसमें से अलग कर दीजिए, जो भी वो डिस्कार्ड करने वाला है, और जो भी आपके कॉइन्स है, चिप्स है, वो सब अलग करके रख लीजिए, कॉइन्स आप रीयूज कर सकते हैं, तो उसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इन बिटवीन अगर किसी को भी ये लगता है कि हमें ये कंटिन्यू नहीं करना है, तो बीच में ही किसी भी दिन आप उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं सारे सामान को, जैसा कि मैंने एट द एंड ऑफ द ईयर के लिए बताया है, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, आई वुड लव टू शेयर मोर एंड मोर बेनिफिटेड ईजी रेमेडीज विथ यू ऑल, एंड थैंक्स फॉर लविंग मी सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।